श्वेता तिवारी और उनके दूसरे पति अभिनव कोहली के बीच पिछले कई समय से विवाद चल रहा है और चीजें और ज्यादा बिगड़ती नजर आ रही हैं। श्वेता और उनकी बेटी पलक ने अभिनव के खिलाफ पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई थी। इसके बाद श्वेता अपनी बेटी पलक और बेटे रेयांश के साथ अलग रहने लगी थी। हाल ही में श्वेता खतरों के खिलाड़ी सीजन 11 की शूटिंग के लिए साउथ अफ्रीका रवाना हो गई हैं, जिसके बाद अभिनव ने उन पर आरोप लगाया कि मेरे बेटे को अकेला छोड़कर चली गई हैं। श्वेता के रवाना होने के तुरंत बाद से ही अभिनव सोशल मीडिया पर वीडियोस अपलोड कर रहे हैं और अपने बेटे के बारे में पूछ रहे हैं। इतना ही नहीं, एक वीडियो में वह कहते हुए दिख रहे हैं कि श्वेता इस महामारी के मुश्किल दौर में बच्चों को अकेला छोड़कर चली गई हैं। अभिनव का कहना है कि श्वेता रेयांश को मुंबई के किसी होटल में केयर टेकर के साथ छोड़कर चली गई हैं। वीडियो में अभिनव कोहली ने कहा कि वह अपने बेटे को ढूंढते हुए एक होटल से दूसरे होटल में घूम रहे हैं, लेकिन कुछ पता नहीं चल पा रहा है। वहीं एक अन्य वीडियो में अभिनव चाइल्ड हेल्पलाइन सर्विस पर बात करते हुए नजर आ रहे हैं। इस वीडियो में अभिनव श्वेता पर आरोप लगा रहे हैं कि उनका बेटा रेयांश पिछले कई दिनों से बीमार है और वो उसे छोड़कर साउथ अफ्रीका चली गई हैं। बता दें कि अभिनव के साथ अपने रिश्ते में अनबन होने की वजह से श्वेता ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया था कि वो उनकी इमेज खराब करना चाहते हैं। श्वेता ने बताया था कि अभिनव ने उन्हें धमकी दी है कि वह सोशल मीडिया के जरिए उनकी इमेज खराब कर देंगे और तभी से वह सोशल मीडिया पर पोस्ट और वीडियोस डाल रहे हैं। बता दें कि श्वेता तिवारी की दोनों शादियां ही बेहद विवादित रही हैं। उन्होंने सबसे पहले 19 साल की उम्र में राजा चौधरी से शादी की थी। हालांकि साल 2007 में दोनों अलग हो गए थे। शादी के बाद श्वेता ने राजा चौधरी पर घरेलू हिंसा का आरोप लगाया था। इसके बाद उन्होंने साल 2013 में अभिनव कोहली से शादी की, लेकिन इस शादी से भी श्वेता को खुशी नहीं मिली। राजा और श्वेता की बेटी पलक हैं, वहीं अभिनव से श्वेता को रेयांश हुआ है। अगस्त 2019 में श्वेता ने अभिनव पर उनकी बेटी पलक के साथ मारपीट का आरोप लगाया था और थाने में केस भी रजिस्टर करवाया था।